तो अब हम सीखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन किस तरह का बनाना चाह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जैसे कि हमारा नेविगेशन है और इसमें हम ये इस तरह के ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर इंटरलिंक हैं उस पर भी जब कोई जाए मेन्यू के अंदर तो ये तरह से कर रहा है। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले फाइल में जाके हम इसको क्लोज फोल्डर कर देंगे। क्लोज फोल्डर करने के बाद फाइल में जाके हम इसको यहाँ पे ओपन फोल्डर कर देंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद हम अपने फोल्डर को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो जो हमारा फोल्डर है सी एस एस का फोल्डर, वो यहाँ पे जाके हमारा फोल्डर है फायरवॉल डिवाइस के नाम से, और उसको क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल एन करके हम एक फाइल सेव करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एन करके, और उसका नाम रखेंगे ड्रॉप डाउन डॉट html, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये देखें हमारे पास कुछ html का पैकेज कोड आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन का कोड किस तरह होगा। तो मैंने ये ड्रॉप डाउन का कोड रख रखा है, तो यहाँ से मैंने उसको कहा कि भाई ये लिया हमने यहाँ से html का पैकेज कोड, जो कि ड्रॉप डाउन के लिए html का कोड करना है। अब आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगना चाहिए ये कोड, क्योंकि बहुत ईजी है। सबसे पहले बॉडी के अंदर आके हमने एक नेव का एलिमेंट बनाया जिससे वो नेविगेशन बनेगा पूरा, यानी कि पूरा वो ब्लैक कलर की पट्टी जो बनानी है। उसके अंदर वही यू एल कल जो हमने सीखा था, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड कराए हमने उसके अंदर। ये एक एक मेन्यू का एक एक लिस्ट आइटम है, यानी कि सर्विसेज के मेन्यू का लिस्ट आइटम ये है, और फिर प्रोडक्ट के मेन्यू का लिस्ट आइटम, और फिर अबाउट के मेन्यू का लिस्ट आइटम, और फिर कॉन्टैक्ट के मेन्यू का लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर एंकर मौजूद है, सही। और ये लिस्ट आइटम किसके अंदर आ रहा है, यू एल के अंदर आ रहा है। अब इसमें एक नई चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है क्लास, ठीक है। अभी क्लास के बारे में आपको बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए इससे पहले आपने एक एट्रीब्यूट सीखा था जिसका नाम था आईडी। क्लास और आईडी दोनों एक ही पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, पर इनकी यूजेज में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो आप समझें। देखें हमने आईडी को क्यों यूज़ करना सीखा था, भाई मसला ये था कि बहुत सारे ALIs हैं, अगर ALI को CSS में डिक्लेयर करेंगे तो सब ALI के ऊपर एक ही तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको यूनिक करने के लिए हमने आईडी लगा दी थी। अब आईडी के बाद आज आपका सामना हुआ क्लास पे, तो क्लास में और आईडी में क्या फ़र्क है, पहले तो समझे सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये कि ये भी क्लास उसी फंक्शन मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कि जैसे कि अगर मुझे इस वाले एलिमेंट पे अलग कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो उसकी मैंने क्लास बना दी, मैं इस क्लास पे वो प्रॉपर्टीज डालूंगा और ये क्लास जिस एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा उस पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मैंने जितने भी एलआई हैं उनके साथ एक क्लास बनाई हुई है नेव डैश आइटम की। अब नेव डैश आइटम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी जहाँ पर ये क्लास अप्लाई होगी, एलआई जितने एलआई पर अप्लाई होगी उन पर वो प्रॉपर्टीज काम करेंगी। लेकिन जब ये काम आईडी से हो रहा था तो फिर क्लास की क्या जरूरत है। इसमें वेरिएशन ये है कि पूरे पेज पे जितने एचटीएमएल के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उन एलिमेंट्स में अगर आप क्लास अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है कर लें, क्लास की खासियत ये है कि आप एक ही एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। पहला डिफरेंस, एक ही एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप देखें यहाँ पे एक नेव डैश आइटम की क्लास लगी हुई और दूसरी ड्रॉप डाउन की क्लास भी लगी हुई। आईडी में ऐसा नहीं हो सकता। आईडी पूरे पेज पे जितने एलिमेंट हैं उसमें जिस एलिमेंट पे जो आईडी आप लगा रहे हैं वो उसी पेज पे किसी दूसरे एलिमेंट पे नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो वो फिर एरर हो जाएगा पेज के ऊपर और वो डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि क्लास और आईडी में ये फ़र्क है कि आईडी फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट और वो यूनिक होगा, वो आईडी दूसरे किसी एलिमेंट पे आप नहीं लगा सकते, उसके लिए दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे एक एलिमेंट की अगर आपने सपोज करें यहाँ पर भी हमने क्लास बनाई है नेव डैश आइटम, अब ये क्लास हमने यहाँ भी यूज़ की है ना, आईडी में ऐसा नहीं होगा। आईडी में अगर आपने आईडी यहाँ यूज़ कर लिया तो दोबारा ये आईडी यहाँ यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों आईडीज को एक वक्त में एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। तो आईडी फॉर द स्पेसिफिक और फॉर द यूनिक पर्पस। क्लास क्या है, फॉर मल्टीपल पर्पस, मतलब आपने ये क्लास इस पे लगा दी और एक दूसरी क्लास भी लगा दी तो इस एलिमेंट पे इस क्लास का इम्पैक्ट भी पड़ेगा और इस क्लास का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ भाई इक्वल होगा। अगर दोनों में सेम प्रॉपर्टीज हैं तो सेम इम्पैक्ट होगा। हाँ 1, 2, 3 प्रॉपर्टी इस क्लास की हैं और 3, 4, 5 प्रॉपर्टी इस क्लास की हैं, तो 1, 2, 3 वो ये वाली अप्लाई हो जाएंगी और 3, 4,
समझ रहे हैं? तो क्लास भी हम एलिमेंट को इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें और अपने कोड को सीएसएस में बेहतर तरीके से कर सकें। अब यहाँ पे हमने कितनी क्लासेस यूज की है, नेविगेशन के लिए नेव बार की क्लास बनाई है, यूएल के लिए नेव लिस्ट की क्लास बनाई है, और हर लिस्ट आइटम के लिए नेव डैश आइटम की क्लास बनाई है, जैसे होम के लिए, सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए, अबाउट के लिए, और जो अंदर मेन्यूज हैं उनके लिए हमने नेव डैश आइटम को यूज नहीं किया। और जो ड्रॉप डाउन का बटन बनेगा सर्विसेज वाला, उसके लिए एक क्लास ड्रॉप बीटीएन की बनाई है, और ड्रॉप डाउन जिसको बनाना है उसके लिए क्लास ड्रॉप डाउन की बनाई है, और ड्रॉप डाउन के अंदर फिर हमें जिस कंटेनर में अंदर वाले मेन्यूज को दिखाना है उसके लिए ड्रॉप डाउन डैश बटन कंटेंट की क्लास बनाई है। अब इन क्लासेस को सीएसएस में कैसे डिक्लेयर करना है उसको देखते हैं। तो सीएसएस में करने के लिए हमने यहां से कंट्रोल एन किया और यहां से सेव किया, और इसका नाम मैंने रख लिया ड्रॉप ड्रॉप डाउन स्टाइल डॉट सीएसएस, और यहां पे वो मैंने सीएसएस का कोड डाल दिया और यहाँ पे मैंने उसको लिंक कर दिया। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं आपको ये कोड बना बनाया करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें तीन चार चीज़ें नहीं है, आने वाली क्लासेस में फिर हर एक चीज़ को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि मैंने नेविगेशन को कल एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे क्लास को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर दो चार प्रॉपर्टीज और आने वाली आगे उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज क्लियर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब पिछली दफ़ा मैं अप्रोच मैंने ये रखी हुई थी, पहले मैं आपको समझा रहा था फिर वो चीज़ बना के दिखा रहा था, अब क्या किया है अब वो चीज़ बना के दिखा दूंगा फिर समझ लेंगे, तो इस तरह भी आपका ये मामला बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नाम रखा है, ड्रॉप डाउन स्टाइल, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन स्टाइल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर जब वेब ब्राउजर पे गए तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन बना हुआ नजर आएगा, ठीक है, पूरा नेविगेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पहली क्लास को देखते हैं जो सीएसएस की क्लास है, वो क्लास कौन सी है, बॉडी। बॉडी को एज ए सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन किया है, इसका ये दिखाएगा सबका फॉन्ट जो भी बॉडी में लिखा जाएगा एरियल होगा, या आप चेंज कर सकते हैं जो फॉन्ट चाहें, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ठीक है। नेफ बार की क्लास यहाँ पर डिफाइन किया, नेफ बार की क्लास किसको हिट कर रही है, वो इस पट्टी को हिट कर रही है, इसमें सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन जिस भी कंटेनर पर प्रॉपर्टी लिखी जाती है ये इसलिए लिखी जाती है कि अगर उस कंटेनर से कोई चीज़ थोड़ी भी बाहर आ रही है तो उसको छुपा दो। अब मसला ये कि हमारा मेन्यू क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि मेन्यू इससे बाहर आएगा और वो खुल रहा भी है हमें दिख नहीं रहा, तो जैसे ही हम यहाँ से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हटाएंगे नेव बार के अंदर से तो देखें हमारा मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा, सही है, तो वो नेव बार की क्लास में लिखी जाती है। अब यहाँ पे ये कि सर्विसेज के अंदर ये मेन्यूज बने हुए हैं, अब ये मेन्यू कैसे खुल रहे हैं जब मैं इस पर जा रहा हूँ, ये बने हुए पहले इसको देखें कि ये बना कैसे था। इसके बनने से पहले हम देखते हैं कि इसने नेव लिस्ट की क्लास में क्या चेंजेस किए, और नेव लिस्ट की क्लास में एचटीएमएल में कहाँ यूज़ किए, यूएल के साथ, तो उसमें चेंजेस क्या किए इसको समझें। पहली चेंज की है इसने लिस्ट डैश स्टाइल को नन किया है, अगर ये नन नहीं करते तो क्या होता, यहाँ से इसको हटा दें तो कैसे करें, यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लें, नन नहीं करेंगे तो ये जो लिस्ट आइटम बनते हैं इनके पीछे एक डॉट होता है, वो डॉट ब्लैक के अंदर नजर नहीं आ रहा, ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा नजर आ रहा है डॉट, वो डॉट खत्म करने के लिए कल हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था और उसको नन कर देते हैं तो वो डॉट इसमें से खत्म हो जाते हैं, यानी कि बुलेट खत्म हो जाते हैं। फिर मार्जिन जीरो, मार्जिन जीरो करने से ये बिल्कुल इसके मार्जिन का जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पैडिंग भी जीरो कर दी। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या हुआ है, फ्लैक्स का हमने सीखा था, जिस मेन कंटेनर को फ्लैक्स करते हैं तो अंदर वाले कंटेंट एकदम रो में आ जाते हैं, तो ये बेसिकली अगर फ्लैक्स नहीं था तो ये लिस्ट आइटम कुछ इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। जैसे हम इसके मेन कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, यानी कि यूएल को डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, तो इसके अंदर वाले सारे कंटेंट इसे फ्लैट हो जाएंगे और ये फ्लैट से कमा लेंगे, पहले काम करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो ये काम इसके क्लास पे इस पर लिया गया क्योंकि ये मेन कंटेनर है बाकी चीज़ें इसके अंदर है। अब उसके आगे आ जाते हैं फिर अगली क्लास है नेव डैश आइटम। अब नेव डैश आइटम को इसने क्या किया, ये प्रॉपर्टी आपने नहीं सीखी है, नेव डैश आइटम ये हर लिंक के साथ लिस्ट आइटम के साथ दिया गया है, इसमें इसका काम ये किया गया पोजिशन को रिलेटिव रखा गया है, यानी कि हर आइटम, यानी कि हर आइटम एक दूसरे के करीब में नजर आए इस तरीके से, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे चल के और सीखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं आपको बॉक्सेस के एग्जांपल देके चलता हूँ। फिलहाल इसमें नेव आइटम में आपको लिखना है पोजीशन और पोजीशन की वैल्यू क्या रखनी है। फिर नेव डैश आइटम के अंदर जितने एंकर्स हैं, मतलब ये कि नेव डैश आइटम और इसके अंदर जितने एंकर्स हैं जहाँ जहाँ भी हैं, उन एंकर्स के लिए क्या किया है, अब उसके लिए देखिए इसमें क्या लिखा है, डिस्प्ले ब्लॉक।
अब ये डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इसकी ये अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, ये ब्लॉक बना है, देखिए इसके चारों तरफ एक ब्लॉक बना हुआ दिख रहा है, तो इससे क्रिएट हो। अब कलर इसका व्हाइट हो तो देखिए फॉन्ट का कलर क्या आ रहा है, एंकर से व्हाइट आ रहा है, लिंक से टेक्स्ट लाइन सेंटर हो तो इस बॉक्स के सेंटर में आ रहा है, और पेडिंग 1420 पिक्सल। कल आपको मैंने पढ़ा था पेडिंग चार किस्म की होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, फिर ये सब दो लिख दिया। देखिए अगर आप चारों को बयान करेंगे अलग अलग डिफाइन कर लें, और अगर शॉर्ट पे चाहते हैं तो इसमें आपने लिखा पेडिंग 14 पिक्सल 20 पिक्सल, का मतलब ये है कि भाई ये है टॉप और बॉटम 14 पिक्सल और ये है लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल, सही है। तो ये बॉक्स के अंदर के जो कंटेंट है इसकी पैडिंग को इसने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन को नन किया, तो इसके नीचे जो अंडरलाइन आती है लिंक के नीचे वो नहीं आ रही है, इसकी वजह से वो नहीं आ रही। तो नेव डैश के आइटम के अंदर जितने एंकर होंगे उनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया लिंक से। फिर नेव डैश आइटम के ऊपर जो एंकर है और उसके ऊपर जब अपना माउस जाएगा होवरिंग करेगा, होवरिंग मतलब ऐसे होवरिंग करेगा तो एक शेड दे दे बैकग्राउंड पे इस तरह का, तो ये देखिए बैकग्राउंड पे इस तरह का शेड। फिर अब आती है प्रोग्रामिंग ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन में इसमें लिखा है इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टी कहाँ यूज की है, इसमें क्लास कहाँ यूज की है, ड्रॉप डाउन की क्लास देखिए इसमें यूज की है लिस्ट आइटम में नेव आइटम के साथ, ठीक है ना, ये दोनों क्लासेस यूज किए। नेव आइटम अपना काम करेगी यानी कि फॉन्ट का कलर पेडिंग वेडिंग सब उधर से आएगी, लेकिन ड्रॉप डाउन में ये होगा कि भाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा। जब इनलाइन ब्लॉक होगा तो जब आपने इसके ऊपर से हटाया था तो ये वाला जो था ये अकेला यहाँ पे आ रहा था भाई, जब हमने अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, अभी क्या फर्क पड़ा इसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे आ रहा है। हाँ ये इनलाइन ब्लॉक इसलिए किया गया है कि भाई जिस पर भी ये क्लास लगाई जाए तो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो इनलाइन हो जाए, मतलब समझ में नहीं है, इसलिए समझ में नहीं। देखो नेव आइटम में इसने क्या किया था, ऊपर जाए जरा, नेव आइटम में एंकर के ऊपर इसने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या किया, ब्लॉक बना दिया। अब ये कह रहा है कि ब्लॉक तो बन गया लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसको मैं चाहूँ उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करूँ, जिसको मैं चाहूँ उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करूँ। तो अब कैसे करें, अगर मैं यहाँ पे जाके इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा आ गया यहाँ पे, तो सबके ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक हो जाएंगे। जिसको मैं चाहूँ उसको करूँ तो उसमें क्या किया इसने, एक क्लास बनाई, क्या बनाई, ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या सेट कर दी, इनलाइन ब्लॉक। अब सीएसएस का रूल ये कहता है कि अगर पहले से इसके पास डिस्प्ले ब्लॉक था और हमने दूसरी क्लास लगाई जिसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक था, सेम प्रॉपर्टी है वैल्यू चेंज है, तो ये होगा ये वाली क्लास इसको ओवरराइट कर जाएगी, ये वाली क्लास इसको ओवरराइट कर देगी। मतलब जब ये कोड चलेगा तो पहले उसकी वैल्यू ब्लॉक होगी और फिर चेंज होके हो जाएगी इनलाइन ब्लॉक। ये एक तरीका है एक क्लास को दूसरे क्लास पर ओवरराइट कराने का, ठीक है। तो जैसे ही ओवरराइट करेगा तो अगली एक और क्लास से बनाइए ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट जो क्लास है वो बेसिकली इसकी क्लास है, इसकी फॉर्मेशन की। लेकिन मसला ये है कि ये ड्रॉप डाउन कंटेंट की जो क्लास है ये इसने लगाई कहाँ, तो देखें यहाँ पर जब इसने डिव बनाया है प्रॉपरली डिव बनाया है, डिव के अंदर क्लास लगाई है ड्रॉप डाउन कंटेंट और उस डिव को रखा है एंकर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लास बनाई है ड्रॉप बीटीएन की। अब ड्रॉप बीटीएन की क्लास यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई, ठीक है, उसका फिलहाल कोई यूटिलाइजेशन नहीं था क्योंकि हमने उसको कोई प्रॉपरली बटन की फॉर्मेशन नहीं करनी थी, इसलिए इस क्लास को लिखा है लेकिन यूज नहीं हुआ। तो डिव के अंदर ड्रॉप डाउन कंटेंट कैसे बना, जैसे ही क्लास इस पर अप्लाई होगी तो इस क्लास की प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि भाई डिस्प्ले नन। अब ये डिस्प्ले नन कर दिया तो क्या मतलब है, देखें डिस्प्ले नन का मतलब है क्या, आपको ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, ये है डिस्प्ले नन, लेकिन जब मैं इस पे जाऊंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी देखें जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिस्प्ले नन को हटा देता हूँ तो ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा, ये है ट्रिक इसकी कि पहले जब इसकी फॉर्मेशन कर लो तो इसको डिस्प्ले नन करना है। फॉर्मेशन क्या की है इसकी, फॉर्मेशन ये की कि भाई इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल इसके साथ होगी। दूसरा क्या होगा, बैकग्राउंड कलर इसका ये होगा जो भी आपने बता रखा बैकग्राउंड कलर। फिर मिनिमम विड्थ 160 पिक्सल यानी कि जो इसकी चौड़ाई है उसकी इतनी होगी, और फिर बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी जिससे इससे ये साइड का शेड वगैरह आएगा, और फिर जेड इंडेक्स 1
जेड इंडेक्स वन माइनस वन प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसे हम वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, एडोब इलस्ट्रेटर में एक शेप बनाते थे और दूसरा बनाते थे तो उससे आगे आ जाता, तीसरा बनाते थे उससे आगे आ जाता, फिर एक को पीछे भेजते थे तो क्या करते थे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, और आगे लाते थे ब्रिंग फ्रंट ब्रिंग फ्रंट ब्रिंग फ्रंट। सीएसएस में जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट उससे आगे आ रहा है उसको पीछे भेजने के लिए माइनस वन रैंड इंडेक्स करते थे तो वो उसके पीछे चला जाएगा, और अगर वन कर देंगे तो वो उसके आगे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको फिर हम आगे चल के और देखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन की गई, लेकिन जैसी फॉर्मेशन की गई तो इसकी डिस्प्ले को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जब आप नन करेंगे तो उसका आउटपुट ये आएगा कि वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा। स्क्रीन से क्या हो जाएगा, मौजूद होगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब जब डिसअपियर हो गया तो वापस कैसे लाएं, भाई वापस तो उठाएगा जैसे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक करेंगे वापस आ जाएगा, लेकिन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक करें कैसे, हम तो ये जा रहे हैं कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं फिर ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दे तो जाहिर हो जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया, आगे ड्रॉप डाउन कंटेंट का एंकर, यानी कि ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जितने भी एंकर हैं उसके बारे में बताया कि भाई वो कैसे होंगे, उनका एंकर का लिंक का कलर फॉन्ट जो है ब्लैक होगा। मैं जरा इसको 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं और इसको लगा रहा हूं। तो देखिए इसके अंदर फॉन्ट का कलर ब्लैक है और क्या बताया भाई, पेडिंग 12-16 पिक्सल होगी, माना इसकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पर 12-16 पिक्सल होगी, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी, मतलब इनके लिंक के नीचे लाइंस नहीं होंगी, और डिस्प्ले ब्लॉक होगा, तो देखिए ब्लॉक है एक के नीचे एक नजर आ रहे हैं, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होगी, तो ये देखिए लेफ्ट साइड पर अलाइन हो रहे हैं, राइट साइड पर, ठीक है, सेंटर भी कर सकते हैं। इस तरह से होगा, अच्छा। उसके बाद अब वापस लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ, नन करके गायब कर रहा हूँ। वापस लाने के लिए देखिए क्या किया, इसने लिखा डॉट ड्रॉप डाउन होवर, यानी कि ड्रॉप डाउन की क्लास जहाँ पर भी लगी हुई है जब उस पर मेरा माउस जाए, जब उस पर मेरा माउस जाए तो क्या हो, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट जो क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले है उसको अपडेट करके क्या कर दो। और ऊपर हमने क्या की थी, ये कब उसको करना है, ये कब उसको करना है, जब उस पर मेरा माउस जाए तो इस प्रॉपर्टी की डिस्प्ले वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दो, ब्लॉक। तो ड्रॉप डाउन होवर कहाँ लगा हुआ है हमारा, ड्रॉप डाउन की क्लास लगी हुई है देखिए यहाँ पर, ये लगी हुई है, और ये किस पे लगी हुई है, लिस्ट आइटम पर, ठीक है। तो जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा, क्या देखिए इस ब्लॉक पे आया और नीचे उसने उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ब्लॉक, तो जाहिर हो गया, और जैसे ही हट गया बात है। ये है इसका असल गेम। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट के अंदर भी मेन्यू बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का लिस्ट की वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये इसका एंकर है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, नेव डैश आइटम के साथ एक और क्लास क्रिएट करनी है, कौन सी, सर्वर। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लेते हैं, हो गई एड क्लास, अच्छा। अब उसके साथ क्या करना है, जो एंकर है उसके साथ, इस क्लास को फिलहाल हमने बनाया नहीं तो यूज करने की जरूरत भी नहीं है, और उसके अंदर यही वाला डिव एक दफा से फिर से कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। और इस डिव को कहाँ रखना है, एंकर के बाद लिस्ट आइटम के अंदर, तो एंकर के बाद, एंकर यहाँ कंप्लीट हो गया और लिस्ट आइटम ये कभी कंटिन्यू है, ठीक है, और इसके अंदर इस डिव को उठा के आपने प्लेस कर देना, सही। और उसके बाद यहाँ पे आइटम को चेंज करना, मतलब मुझे इसके अंदर 5 आइटम ऐड कराने, तो यहाँ पे 5 आइटम ऐड हो गए, 3 और 2 5, और यहाँ पे इनके टेक्स्ट को चेंज कर देना, सपोज वो मेरा आइटम है कंप्यूटर, और यहाँ पे मेरा आइटम है लैपटॉप, यहाँ पे मेरा आइटम है स्मार्टफोन, यहाँ पे मेरा आइटम है स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे मेरा आइटम है तो
सेव कर दिया, यहाँ आए रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए ये फायदा है CSS के जरिए स्टाइल शीट बनाने का। मतलब शुरू में आपको मेहनत लगती है, लेकिन बाद में जब आप उसके अंदर एडिशन करते जाते हैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट का काम होता है। अगर आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि आप जाके यहाँ CSS में कहीं भी चेंज करेंगे वो पूरे को अपडेट कर देगा, यूनिफॉर्म रहता है आपका कोड। समझ में आई बात की? तो इस तरह ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है, अगर आप कर सकें, जैसे मैंने इसके अंदर एक मेन्यू बनाया वेब डेवलपमेंट का, आप वेब डेवलपमेंट के अंदर एक बनाएं, सपोज HTML का, CSS का, JavaScript का मेन्यू बना दें, ठीक है, या आप यहाँ चले गए कंप्यूटर के अंदर फिर बना दें, उसके अंदर Dell, HP, Lenovo के सब मेन्यू बना दें, ऐसे करके आप उसके अंदर और ड्रॉप डाउन बनाएं, ठीक है। तो ये आपका टास्क कर लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा। कोड में आपको भेज रहा हूँ और वीडियो भी भेज दूँगा।